पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल स्मृति संस्थान द्वारा इस बार भी उनके जन्मदिन के अगले रोज सोमवार को शहर के जीवाजी विश्वविद्यालय खेल प्रांगण में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें ख्याति नाम कवि कुमार विश्वास, कविता तिवारी सहित कई बड़े कवि अपना कविता पाठ करेंगे। अटल स्मृति संस्थान के रामू तोमर ने बताया कि भारत रत्न अटल जी के जन्मदिन के अगले दिन 26 दिसंबर से आमंत्रित किया गया है, जो अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इनमें कुमार विश्वास जाना पहचाना नाम है, जबकि कई कवि नए हैं। शनिवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए रामू तोमर ने बताया कि अटल स्मृति संस्थान द्वारा हर साल अपने पूर्व प्रधानमंत्री की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वैसे आप सबको याद है, लेकिन फिर भी इस औपचारिक मुलाकात में मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर अटल स्मृति मंच के द्वारा हम हर साल एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। इस बार भी अटल स्मृति मंच के तत्वाधान में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। इसी श्रृंखला में उनके जन्मदिन के अवसर पर सोमवार 26 दिसंबर को सायकाल 5 बजे विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अटल स्मृति मंच के द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार जब कार्यक्रम किया था तो उसमें कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम था और संगीतमय शाम भी थी। संगीतमय शाम में पीयूष मिश्रा जी आए थे और अलग अलग कवि आए थे, लेकिन इस बार का जो आयोजन है वो आयोजन कवि सम्मेलन के रूप में ही संपन्न होगा। कार्यक्रम में कुमार विश्वास जी रहेंगे, अजय इकबाल जी रहेंगे, कविता तिवारी जी रहेंगी, मुमताज नसीम जी रहेंगी और भी बहुत सारे कवि हैं। लगभग 8 कवि रहने वाले हैं, तो 8 कवि जब रहेंगे तो बहुत सारा आपको सुनने को मिलेगा। लगभग 15,000 से 20,000 लोगों के आने की संभावना है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने व्यवस्थाओं को सुसज्जित किया है। नहीं, जैसा हम अभी देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि भारत अभी सुरक्षित है, लेकिन हम सुरक्षित रहें उसके लिए हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि जो भी सरकार गाइडलाइन बताए उन गाइडलाइन का पालन भी करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम मास्क लगा के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में रहें, जिससे कोरोना की रोकथाम हो सके, ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में जो लोग आने वाले हैं वो सभी मास्क लगाकर लोगों तक याद रखा जाए और जो आने वाली नई पीढ़ी है वो भी जान सके कि अटल जी हमारी पार्टी के ही नहीं, पार्टी को खड़ा कर तो उन्होंने किया ही है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो अटल जी की जो छवि है वो युगों तक जीवित रहे, ऐसी कोशिश हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से की। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।